शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम सीटेट 2023 सीटेट.nic.in परिणाम 2023 आधिकारिक वेबसाइट। दोस्तों आज हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होने वाला है तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें। चलिए आखिर हम जानते हैं कि रिजल्ट की क्या स्थिति है, कब आएगी रिजल्ट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सीटेट जुलाई 2023 शेड्यूल के अनुसार परिणाम सितंबर 2023 के महीने में जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है और अभी तक वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं भी किया गया है कि आखिर वो रिजल्ट कब प्रकाशित होगा। सभी कैंडिडेट का लगा हुआ है कि आखिर हम पास हैं या फेल हैं, उसके बारे में भी उसको काफ़ी टेंशन हो रही है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, जल्द ही रिजल्ट की तारीख समय घोषणा करेगा। तो CBSE द्वारा आयोजित सीटेट परीक्षा में लगभग 26.7 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवारों को पेपर में 60% अंक प्राप्त करने होंगे और आरक्षित वर्ग के लिए यह मानक 50% है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बोर्ड का नाम केंद्रीय शिक्षक बोर्ड CBSE है और यहाँ पर परीक्षा का नाम देख रहे हैं सीटेट 2023 परीक्षा का है और परीक्षा का प्रवाह क्या है, प्रवेश परीक्षा है ये। और ये आधिकारिक वेबसाइट रिजल्ट हम कहाँ पर देखेंगे तो CTET.NIC.IN पर जाकर हम रिजल्ट को चेक करेंगे। और यहाँ देखिए परीक्षा की तिथि जुलाई अगस्त में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि परिणाम जारी होने की तिथि क्या है, 19 सितंबर। मीडिया के रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि 19 सितंबर तक आपके रिजल्ट कभी भी घोषित की जा सकती है और रिजल्ट को हम देखेंगे ऑनलाइन के माध्यम से और उत्तर कुंजी बहुत जल्द ही डाउनलोड की जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि आपका CTET.NIC.IN पर घोषित किया जाएगा 19 सितंबर 2023 को अपेक्षित किया गया है। हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे हो, लेकिन बहुत जल्द ही आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहले आपको क्या किया जाएगा, आपको पहले आंसर शीट दिया जाएगा और आपको मिलान करना होगा दोस्तों, और मिलान करने के बाद फिर आपको पुनः आपको दो तीन दिन आपको क्या होगा, चैलेंज करने का मौका दिया जाएगा कि कौन सा आंसर आपका गलत था, कौन सा आंसर आपका सही है, तो चैलेंज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन पर आपको चैलेंज करने के लिए 1000 रुपया पे करना होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यदि दो क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो 2000 देना होगा, अगर तीन क्वेश्चन को आप चैलेंज करते हैं तो 3000 देना होगा। इस तरह से सीटेट का ये नियम को बताया गया है। और उसके बाद जैसे ही चैलेंज होगी और उसके बाद आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आखिर रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद आपको अपना सीटेट परिणाम 2023 जांचने के लिए इस वेब पेज पर सीधा लिंक दिखाई देगा और परिणाम जांचने के लिए आपको अपना सीटेट रोल नंबर दर्ज करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और आप अपना रिजल्ट को देख सकते हैं। तो सीटेट परिणाम 2023-24 को ऑनलाइन जांचने के चरण निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट CTET.NIC.IN पर जाएंगे और वहाँ पर मुख्य पृष्ठ पर स्क्रॉल करेंगे और वहाँ पर आपके जो आवेदक सीटेट जुलाई 2023 परिणाम का सीधा लिंक एक्टिवेट होगा, तो वहाँ पर से आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना रिजल्ट को देख सकते हैं। तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक या किसी तरह की खबर नहीं आई है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे ही आपकी खबर आएंगे तो पुनः आपके साथ अपडेट करेंगे। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेकिन चलते हैं सीटेट की वेबसाइट पर, क्या लिंक एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देख रहे हैं हम सीटेट की वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहीं पर आप अपना रिजल्ट को भी देखेंगे और यहाँ जैसे देख रहे हैं आपके पास टाइम भी दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर आपको बताया जाएगा कि रिजल्ट कब शो होगा और कितने बजे होगा। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी दिया है, तो यहीं पर आपका दोस्तों रिजल्ट एक्टिवेट किया जाएगा। तो याद रखें अभी यहाँ किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं आई है रिजल्ट के बारे में, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप दूसरे एग्जाम की भी अभी तैयारी करें, जैसे ही रिजल्ट आएगी तो आप उसमें आप देख सकते हैं।